वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर परीक्षा का जो 2018 में व्यापम द्वारा लिया गया था उसका पेपर लेके आया हूँ और ये कंप्यूटर का एमसीक्यू है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो परीक्षा जो मैं पेपर आज लाया हूँ वो 2018 में व्यापम ने डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर लिया था, उसका ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो 51 है कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है उसको व्यापम ने विलोपित कर दिया था। तो इसका हमारे पास आंसर नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 52 है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करना आवश्यक है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिजिटाइज्ड। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले डिजिटाइज्ड करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें बोला है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित होता है जो पुनः किसमें उप विभाजित होता है। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन बोल रहा है, और हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, सेक्टर्स। इस क्वेश्चन में 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग है, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, बायोस। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बायोस। ये सब स्टोरेज डिवाइस है और बायोस स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क में होता है सिर्फ सर्कुलर ट्रैक, सिर्फ सेक्टर। ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मैं इसका सही आंसर को बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लॉपी डिस्क में सर्कुलर ट्रैक होते हैं और सेक्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर किससे जुड़ा होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। जो सही आंसर है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होता है। कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः कहाँ छिपे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपे होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में छुपे होते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइवर में होते हैं, या ए और बी दोनों में होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी होते हैं। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपे होते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी ये छुपे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा विजिटेड साइट और टॉपिक से संबंधित विज्ञापन को आपकी ओर भेजता है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जैसे ही आप किसी वेबसाइट में कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट में कुछ शॉपिंग करने के लिए कुछ पर्टिकुलर आइटम को सर्च किए, फिर बाद में अगर आप कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको वो पर्टिकुलर सामान का ही एड आपके मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में स्क्रीन में दिखाई देता है, तो वो क्या चीज के माध्यम से आपके कंप्यूटर को ट्रैक करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवेयर। एडवेयर के माध्यम से वो आपके कंप्यूटर में उस पर्टिकुलर आइटम का एड आपको शो करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करना है करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इनसे अनजान होता है कि कोई उसकी कार्य पर नजर रख रहा है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है की लॉगिंग, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन है, इमेज का छोटा रूप कहलाता है। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर है थंबनेल, थंबनेल। अगला क्वेश्चन 61 है, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
तो चलिए इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर है बर्निंग। सीडीरोम में फाइल कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? ये पेमेंट होना चाहिए, गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। चलिए इसका सही आंसर बता दो, सही आंसर है चेकआउट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? वेब ब्राउजर, जिसका सही आंसर है मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर का उदाहरण होगा, गूगल गूगल तो सर्च इंजन है, लेकिन जो गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, चैटिंग के उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेजर इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गूगल टॉक। 64 का सही आंसर है ए, गूगल टॉक। डैश आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है? फायरवॉल, नेटवर्किंग, इंट्रानेट, इंटरनेट। तो चलिए इसका सही आंसर बता दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने से एक पंखा जुड़ा होता है? अ फैन इज अटैच टू डैश इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका सही आंसर है सीपीयू। आपने देखा होगा सीपीयू में एक छोटा सा पंखा लगा होता है। अगला क्वेश्चन 67 है, कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में एक छोटा सा बेलनाकार ड्रम लगा होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्फ बॉल प्रिंटर है लाइक लाइन प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, डेसिबल प्रिंटर है कि पिटल प्रिंटर है? इसका सही आंसर है गोल्फ, द गोल्फ बॉल प्रिंटर इज अ डेसिबल प्रिंटर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? फ्रीवेयर, इसका सही आंसर है SQL, MySQL। जो MySQL ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फ्रीवेयर नहीं है, इसको आपको परचेस करना होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? तो वो मैक्सिमम, सही आंसर है मैक्सिमम। अल्टीमेट है, प्रोफेशनल है, होम प्रीमियम है, बस क्या नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वर्जन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है, वीडियो संकल्प है? तो चलिए इसका आंसर बता दो, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 800 × 680। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है जॉन डब्ल्यू टूके, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 73, किसके द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है? हाइपर थ्रेडिंग इज सपोर्टेड परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सब डाटा एंट्री ऑपरेटर में आए हुए क्वेश्चन है, इसका एग्जाम 2018 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 74, डैश भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को अनुवादक की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है मशीन भाषा। मशीन जो भी हम पास सी लैंग्वेज होता है, सी प्लस प्लस होता है, जावा होता है, वो उच्च स्तरीय भाषा है, तो उसको ट्रांसलेट करके मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जाता है। सब भाषा को हमको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन जब कोई कंप्यूटर प्रोग्राम ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में कोडिंग है तो उसे हमको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे भाषा को हम मशीन लैंग्वेज में ही कोड करते हैं। अगला क्वेश्चन है 75, IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को कहा जाता है? द IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर इज कॉल्ड।
तो सही आंसर है मार्क वन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से एक कंप्यूटर को बूट करने पर डैश स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं जब आप लॉगिन कर लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर व्हेन F12 की इज प्रेस देन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेव एज डायलॉग बॉक्स इज ओपन। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स डैश मार्जिन्स फॉर सेटिंग ऑफ अ पेज, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। अगला क्वेश्चन है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसकी किस उपकरण की आवश्यकता होती है, घर में जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट कनेक्शन लाने के लिए आपको कौन से डिवाइस से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है, अगर आप आंसर पा रहे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है मॉडेम, ऑप्शन ए मॉडेम। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन का उपयोग हम कब करते हैं, सर्च वीडियो के लिए, सर्च डॉक्यूमेंट के लिए, डाउनलोड सॉफ्टवेयर के लिए, कि उपयोग में सभी। अगर इसका आंसर आपको पता जल्दी से कमेंट कर दीजिए, सर्च इंजनों का उपयोग हम कब करते हैं, वीडियो सर्च करने के लिए, सर्च डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, या सब उपयोग में से सभी। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूं, इसका जो सही आंसर है जो व्यापम ने लिया है वो ऑप्शन बी को लिया है, सर्च डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम सर्च इंजन का उपयोग वीडियो सर्च करने के लिए भी करते हैं, डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए भी हम लोग सर्च इंजन में करते हैं, लेकिन जो आंसर व्यापम ने लिया है मैं वही आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका सही आंसर व्यापम ने ऑप्शन बी लिया है, सर्च डॉक्यूमेंट। तो जो आंसर व्यापम ने लिया है मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, व्यापम ने इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी लिया है, तो मैं इसका आंसर आपको बी बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, उपयुक्त में सभी, लेकिन व्यापम ने इसे आंसर बी लिया है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा आज का जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का वो खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो जरूर लाइक करिएगा, मैं बहुत जल्दी हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू।